अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं PHP क्यूट, यानी कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो चार वीडियो में हम ये देखेंगे। जो पहली वीडियो है उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम यानी PHP का फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप लोग अपना HTML का फॉर्म टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को जूम करके दिखाऊँ HTML का फॉर्म, देखें ये सिंपल सा आपका HTML का फॉर्म है। आपने लेबल लिया हुआ, एम्प्लॉय आईडी लगा दी। ठीक है, इनपुट टाइप टैक्स नंबर, जो भी आपने सारी इनपुट्स देनी है वो आप लोग इनपुट्स दे लेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आप लोग को आती होंगी। तो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो है इनपुट टाइप फर्स्ट करें, आपने नंबर दे दिया, नेम, आईडी, प्लेस होल्डर, क्लास। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नेम है। नेम जो है वो PHP के लिए होती है, ये आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये आपने फॉर्म बना लेना है, जो भी फील्ड्स आपने सेलेक्ट करनी है आप कर लीजिएगा। इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनपुट टाइप जेंडर। तो यानी कि जेंडर में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इनपुट टाइप वीडियो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नेम में जो है दोनों के नेम सेम रखते हैं हम लोग, जेंडर जेंडर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें रेडियो जो है वो एक यानी कि एक वक्त में मेल हो सकता है या फीमेल। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, यानी डेटाबेस पे जो भी वैल्यू जाएगी वो एक जाएगी, या तो मेल जाएगी या फीमेल। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे फाइल इस्तेमाल की है, इनपुट टाइप फाइल नेम इमेज। ठीक है, ये फाइल जो है अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में गाइड करता हूँ ये हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में हमने इस्तेमाल किया इनपुट टाइप सेपरेट, और सारी ये फील्ड जो है जब सेपरेट पर क्लिक हो तो ही हमारा डेटाबेस में जो है वो डाटा जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इनपुट टाइप वीडियो का इशू। अब चलते हैं यहाँ पे फाइल पे। तो आप नोट करें, जब आप लोगों को फाइल यानी डेटाबेस में फाइल भी आप लोग सेव करवानी होती है तो उसके लिए आप यहाँ ऊपर आएँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्म मेथड पोस्ट और एनक्रिप्ट। अच्छा है, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ गाइड कर दूँ, एक गेट होता है एक पोस्ट होता है। ठीक है, गेट और पोस्ट को आप लोगों को मालूम होगा, गेट जो सिक्योर नहीं होता पोस्ट सिक्योर होता है, तो इसलिए हम जो है वो पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप गेट इस्तेमाल करेंगे तो गेट में जो है वैल्यू आपकी URL में शो हो रही होगी, जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने हमेशा पोस्ट मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब चलते हैं इनक्रिप्ट टाइप। देखा ENCTY इनक्रिप्ट टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फ्रॉम डाटा। ठीक है, तो ये आपने इसको जो याद कर लेना है, ये आपने टाइप करना है, इसके ज़रिए ही फाइल जो है वो डेटाबेस पे जाती है। ठीक है, ये फाइल के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट देख लेनी है। और HTML का फॉर्म है, आप सिंपल कोई से भी पुरुष टाइप का भी फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, और आपको बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया HTML का पार्ट। अब इसका इंटरफेस देख लेते हैं, तो देखेंगे इस तरीके से कुछ इंटरफेस इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें वही मैंने आप लोग दिखाया था, इनपुट टाइप फाइल हो गई यहाँ पर, इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा फॉर्म बन चुका है, इसका कोड आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये स्टाइलिंग की वे CSS, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये तो आप इस चीज़ का आप लोग को आइडिया होगा। अब चलते हैं हम लोग PHP के पार्ट पे। अब आप लोगों ने करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें जो हम लोगों ने ऊपर नेम दिया था, नेम इक्वल टू ID, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, नेम इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू ईमेल। मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे नेम इज इक्वल टू ID, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, इन सब फील्ड का डाटा जो है वो इसके अंदर जा रहा है, यानी कि अगर पासवर्ड की बात की जाए तो पासवर्ड की वैल्यू इसके अंदर जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ID की बात की जाए तो इसके अंदर जो ID की वैल्यू है इसके अंदर जा रही है। तो हमने सारा यहाँ पर गेट करवा लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये कर लेंगे। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉलर पोस्ट। ठीक है, ये डॉलर पोस्ट, और पोस्ट के अंदर जो है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमने वैल्यू दी थी वो हम लोग सारी फील्ड में कर लेंगे। जितनी भी फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे चार हो, पाँच हो, दो हो, दस हो, आप सारी टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद क्या है कि हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, यानी इस पूरी वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसका नाम हमने दे दिया ID। ID क्यों दिया, क्योंकि देखें हम ID स्टोर कर रहे हैं तो हमें याद रखने के लिए हमने ID वेगा वेरिएबल दे दी। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो ID के अंदर स्टोर हो गई, तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। अब ये पूरी वैल्यू ID के अंदर स्टोर हो चुकी है। इस तरीके से सब में ही करेंगे हम लोग, सब ने हमको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, सब कुछ एक वेरिएबल स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, अब आप एक चीज़ नोट करें, सब ने स्टोर कर लिया। अब आप यहाँ पे आएँ सबमिट। ठीक है, अब ये सबमिट जो है, सबमिट क्या कर रहे हैं, देखें नेम इक्वल टू सबमिट। हमने क्या किया सबमिट के लिए, अब हम लोग को एक कंडीशन लगानी पड़ती है, इफ़ सेट पोस्ट सबमिट। सबमिट की वैल्यू जो ये थी अब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डॉलर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया डॉलर पोस्ट। डॉलर पोस्ट सिंपल आप ये लिखेंगे, उससे पहले लगा देंगे इस सेट, इफ़ इस सेट कंडीशन से जब अब ये सबमिट पर क्लिक करेगा तभी सारी फील्ड जाएंगी। और मेक श्योर रहे कि यहाँ पे दो ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं, ये एक या दो क्लोज हो रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप इसको देखें, ये आप ओपन हो रहा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी लगा लें, ये ओपन हो रहा है। और ये क्लोज़ कहाँ हो रहा है, इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा,
ये क्लोज हो रहा है सबसे एंड में, देख रहे हैं मैंने यहाँ मेंशन किया एट पॉइंट पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक के जितना भी डाटा इसके अंदर है सबमिट होने पे ही शो हो। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जितना भी इसके अंदर डाटा है वो सब आपका सबमिट होने पे ही जाएगा डाटाबेस में, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हो गया ये आपका सेट, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं फाइल पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है इस कोड से डाटाबेस में सेव होती है पिक्चर, ठीक है। पिक्चर्स के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा इसको बहुत देख लेते हैं। अच्छा, अब पिक्चर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आप देख सकते हैं पिक्चर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइल, ऊपर वैल्यू के लिए पोज इस्तेमाल कर रहे थे, इसके लिए हम करते हैं फाइल। फाइल इस्तेमाल करेंगे और फाइल के साथ क्या आता है, आपने जो भी इमेज के साथ दिया था नाम, देखें हमने क्या दिया था इनपुट टाइप इमेज में, आप देखें यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल में हमने नेम में दिया था इमेज। अगर यहाँ पे आप देखते हैं आई एम ए जी ई, तो यहाँ पे आप वहाँ पे आप लोग इमेज टाइप करते हैं, यहाँ पे मैंने आई एम जी टाइप किया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपने ऊपर वैल्यू दी है वह आप टाइप कर देंगे, ठीक है। ऊपर मैंने आई एम जी दी थी, आप भी आई एम जी दे देंगे, और जिसके साथ नाम मेरा ज़रूरी होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी पिक्चर का नाम होगा वो भी स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, ये आपने याद कर लेना। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जो हमने ऊपर काम किया है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सारी फील्ड, ओके। अब एक और चीज़ जो हमें देखनी होती है इसके अंदर वो ये कि इमेज के साथ जो है, इमेज के अंदर जो है एक अपलोड इमेज जो है हमारे फोल्डर में भी सेफ होती है वो फाइल, यानी कि जो डेटाबेस में जा रही है वो हमारे फोल्डर में भी सेफ हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स में लिखा हुआ ताकि आप लोग परेशानी ना हो। अच्छा, ये कोड भी है एक साथ, ठीक है, और इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने ये कोड दो कोड जो है किया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, हमने तो देखें वही चीज़ जो है ये कोड, ठीक है, ये हमने यहाँ टाइप किया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, फाइल्स आ गई, इमेज आ गई, और इसमें एक चीज़ क्या है, टाइम नेम आ गया, टेम्परेरी नेम, ठीक है, यानी जो भी नेम होगा वो सेफ हो जाएगा। अब पूरे को, पूरी वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया आसानी के लिए, इसका नाम हम रखते हैं टाइम इमेज। आप चाहे कुछ भी रखते हैं, इसका नाम टी आई रखते हैं आप लोग, कुछ भी रखते हैं। मैंने इस पूरी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर ली, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को भी स्टोर कर ली। अब क्या किया, मूव अपलोडेड फाइल, मूव अपलोडेड फाइल इस्तेमाल होती है फाइल को मूव करने के लिए, ठीक है। लिखने के बाद मैंने क्या किया, अब ये पूरी वैल्यू थी, पूरी वैल्यू मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर दी थी, तो इस वेरिएबल मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाया। अब ये इमेज क्या है, ये फोल्डर का नाम है, ये मैं अभी आपको लोगों को दिखाता हूँ। फोल्डर के अंदर जो है वो ये इमेज में स्टोर कर दो, यानी कि जो इमेज हम अपलोड करेंगे या कोई भी यूज़र आके क्लिक करेगा वो इमेज इस यानी इस वेरिएबल में सेफ होगी, और इस वेरिएबल से जो है वो इस फोल्डर में सेफ हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपने क्या करना है। जब आप जहाँ भी फाइल रखी होगी, लेट सपोज मेरी फाइल यहाँ रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज का फोल्डर है। मेक श्योर है जो आपने यहाँ नाम लिखा है वही आपने वहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फोल्डर में एक इमेज पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैंने बैक किया। अब जो फर्स्ट करें, आपका फाइल ये है और ये रहा इमेज का फोल्डर, तो इमेज का फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट करें आप लोगों का फोल्डर का नाम है पिक्स, PIC, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसका नाम चेंज कर देंगे PIC, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, मूव अपलोडेड फाइल्स जो आपकी डेटाबेस में जा रही होंगी वही आपकी फोल्डर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कोड होगी वो आपको फाइल जो डेटाबेस में भेजने के लिए, और ये जो डेटाबेस से जो पिक्चर्स हैं वो आप लोग के फोल्डर में आ जाएंगी। तो ये कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। सेम टाइम इसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा एरर आ सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो इतना इश्यू वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आपके सामने भी आएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का ये इशू। अब चलते हैं आगे डेटाबेस कनेक्शन पे, ठीक है। तो आप लोगों को डेटाबेस कनेक्शन वगैरह जो है वो आता होगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत आसान होता है। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये होती है क्वेरी माई SQLi कनेक्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा क्या होता है, ये आपका होता है लोकल होस्ट सर्वर नेम। हम लोग जैम यूज़ करें तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सर्वर नेम लोकल होस्ट होता है, ये रूट होता है, ठीक है। रूट मेरे कहा से सर्वर नेम, डोमेन नेम, इस तरीके से होते हैं सारे। आपका पासवर्ड, ये होता है आपका डेटाबेस नेम, ठीक है। लोकल होस्ट आपका हो गया सर्वर नेम। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं डोमेन वगैरह सर्वर पर काम करेगा तो वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, वहाँ पर टाइप करना होता है, यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास जैम पे वो होता है लोकल होस्ट होता है, रूट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये चीज़, और ये जो है हमारा ये डेटाबेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमें चलते हैं डेटाबेस पे, चले गए लोकल होस्ट /PHP MyAdmin, ये आप लोग टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो आप लोगों को ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, ये देख सकते हैं ये जो है मेरा डेटाबेस नेम है, ठीक है। यही जो है, यही नेम जो है वो आप लोगों का यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप लोगों का डेटाबेस नेम है वो आपको यहाँ होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका डेटाबेस नेम। अब हमने किस तरह से कनेक्ट करना है इसको, सिक्योरिटी क्या है, ये सिंपल सी। अब इस पूरी वैल्यू को हमने एक
वेरिएबल में स्टोर कर दिया और इस वेरिएबल को हमने इफ की कंडीशन में लगा दिया ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है या नहीं। जैसे आप रन करेंगे तो ये कमांड चल जाएगी डेटाबेस कनेक्टेड, इसका मतलब है कि आपको डेटाबेस सही काम कर रहा है, और अगर नहीं चल पाएगी कोई एरर होगा तो वो शो करता है कि डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, इसलिए हम ये वाले के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन। अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो है कि क्रिएट करवाना, यानी डेटाबेस यानी डाटा जो है वो डेटाबेस में भेजना। ठीक है, तो अब उसके लिए क्यूरी की होती है, उससे पहले हम लोग अपना डेटाबेस बना लेते हैं। तो चलता हूँ मैं डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ न्यू, न्यू पे आप क्लिक करेंगे आपको ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम रखना है, जैसे कि मैंने रखा था CS619। ठीक है, यहाँ डेटाबेस का नाम आएगा और यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे तो आपका डेटाबेस बन जाएगा। जैसे ही डेटाबेस बनेगा आपको, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया हुआ है। आप डेटाबेस के अंदर ये क्या है एम्प्लॉय, ठीक है ये है टेबल नेम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आएँ, अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पे, लेट सपोज आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ। मैंने डेटाबेस का नाम रखा ABC, क्रिएट कर दी मैंने, क्रिएट पे क्लिक करूँगा मैं, देखिए डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपसे टेबल का नेम पूछ रहा है, ठीक है यहाँ से आपका टेबल का नेम पूछ रहा है, और यहाँ पे आपने जो भी कॉलम, जैसे कि हम लोगों ने 10 कॉलम दिए थे, तो 10 कॉलम लेते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 10 कॉलम लेंगे और क्रिएट कर देंगे तो आप लोगों का टेबल नेम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ रखना है टेस्टिंग, और मुझे कॉलम चाहिए यहाँ पे 5, तो आपको डेटाबेस बन जाएगा। अब वहाँ पे हमने क्या रखा था यहाँ पे डेटाबेस का नेम, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी फील्ड्स क्या थी पहले मैं वो लिखा दूँ। देखें यहाँ पे है ID, नेम, पासवर्ड, तो आपने सीक्वेंस फॉलो करना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, ID, नेम, ठीक है समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, पासवर्ड, इतनी भी आपकी फील्ड है आप सारी फिल कर देंगे, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, एज, सिटी, ठीक है सारी आप पूरा फिल कर देंगे। आप लोग अगर और कॉलम ऐड करना है तो इसका जब आप सेव कर लेंगे तो फिर आप लोगों का ऑप्शन आएगा। ठीक है, लेट सपोज इंटीजर है, अब देखें ID की टाइप क्या होती है इंटीजर, नेम क्या होता है वो वारचार होता है। ठीक है, पासवर्ड भी वारचार ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से जो भी वैल्यू है वो सारी हम करते रहेंगे। लेट सपोज कि यहाँ पे अब हमें क्या देना है, पासवर्ड के बाद ईमेल और फ़ोन नंबर है, तो यहाँ रख दीजिए हम ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक है, ईमेल में क्या होता है, ईमेल में हमारे पास सारी चीज़ होती है, इसका हम वारशेयर कर देंगे, और फ़ोन नंबर में जो है वो हमारा इंटीजर होता है। अब देखें यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आती है लेंथ, लेंथ देनी होती है आप लोगों ने, यानी कितना करेक्टर इस्तेमाल कर सकता है। तो ID कमी होती है 10, नेम कितने 30 करेक्टर तक के हमारे पास होने चाहिए, ठीक है सबसे ज़्यादा ना हो। पासवर्ड भी हम यही कर देते हैं, इस तरीके से ईमेल भी यही कर देते हैं, और फ़ोन नंबर भी ज़्यादा बढ़ता नहीं होता। तो सिंपल करने के बाद अब आप देखें यहाँ पर एक चीज़ आ रही है इंडेक्स, ठीक है ये लिखा हुआ इंडेक्स, इसमें क्या होता है इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी की। प्राइमरी की हम इसे इस्तेमाल करते हैं इसको यूनिक बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ID हमेशा यूनिक ही होती है, तो इसको हम कर देंगे प्राइमरी। ठीक है, तो गो कर देंगे, प्राइमरी हो गई। और आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो इंक्रीमेंट, इससे क्या होता है AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, इससे क्या होगा अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई भी यूज़र आए, तो फर्स्ट करें यूज़र आया उसने ID डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डाटाबेस में शो कर देगा कि ये पहला यूज़र है, तो ऑटोमेटिकली ID जनरेट होती रहेगी, यानी कि अगर 125 कस्टमर आ रहे हैं टाइप कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जनरेट करती रहेगी। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 आपको ID डालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अमूमन ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं ताकि हम लोग आसानी रहे, हम लोग को पता हो हाँ ये सीरियल नंबर ये इस वक्त जो है वो 85 यूज़र आ चुके हैं, तो अमूमन हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप वो ऐसी चीज़ चाहिए कि कस्टमर अपनी ID दे तो आप फिर इसको अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पे लेट सपोज हम ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आना या लिखा हुआ है सेफ, सेफ पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग का इस तरीके से डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, लेट सपोज यार आपने डेटाबेस लगा दिया, अब आप इसमें चेंजेस करनी है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर टेस्टिंग जो आपने रखा था यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, तो आप स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपने चेंज करनी है तो यहाँ मैं चेंज पे क्लिक कर दूंगा, और इस तरीके से मैं इस यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, और चेंज करने के बाद सेव पे क्लिक करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। लेट सपोज इसके अलावा आपने इसी के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, टेस्टिंग पे गया मैं, ऑपरेशन में लिखा हुआ आ रहा है, तो ऑपरेशन में जाऊँगा तो यहाँ पर मैं अपना टेबल नेम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और यस ऐसे मैं टेबल नेम चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपने अपना डेटाबेस का नेम चेंज करना है तो ABC में जाके आप सिंपल नहीं ऑपरेशंस में जाएंगे, और यहाँ पर जाके आप लोग डेटाबेस का नेम चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना डेटाबेस नेम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप डेटाबेस डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई, आपको कुछ चीज़ अपडेट करनी हो, इसके अंदर एडिट करनी हो, तो ये हो गया। लेट सपोज मुझे इसके अंदर ऑल फील्ड ऐड करनी, देखें यहाँ टीचर यानी कि ID, नेम, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, तो इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाऊँगा, दोबारा देख लेते हैं इसको हम लोग, हाँ ये रहा। तो हम लोग को टेस्टिंग में जाना, टेस्टिंग में जाने के बाद लेट सपोज कि हमने यहाँ पे कोई फील्ड ऐड करनी है, तो देखें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड 1, और यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर फोन। आफ्टर फोन क्या ये है,
यानी कि फोन के बाद एक कॉलम ऐड कर दो। तो हमारी मर्जी है हमने क्या करना है। अगर हमने नेम के बाद ऐड करना है तो हमारी मर्जी कोई भी इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमें फोन के बाद एक और कॉलम ऐड करना है, तो फोन के बाद हमारा क्या कॉलम था, एक वो था डेट ऑफ बर्थ। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कॉलम ऐड करना है। ठीक है ठीक है, आप लोगों ने पहले कॉलम ऐड करना है, एक ऐड करना है या दो। तो मैंने ऐड करने हैं एक, यहाँ पे मैंने एक पे क्लिक किया। एक पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे बोल रहा है आप लोग क्या नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने लेट सपोज नाम रखना है डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही होता है, लेकिन समटाइम मंथ में जो वैल्यू भी होती हैं, तो आप वाटर कर दें, 30 कर दें। ठीक है, और आप सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो देखें आप लोग के पास यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड हो चुकी है, विच इज़ डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से आप लोग डेटाबेस को आराम से अपडेट कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्शन कर लिया। डेटाबेस में आप लोगों ने अपनी वैल्यू बनानी है। ठीक है, मेक श्योर है कि जो आपने फॉर्म बनाया है, जो अभी आपको फील्ड चाहिए, एम्प्लॉय नेम, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, सिटी, सैलरी, जेंडर, यही सारी चीज़ें आप लोगों ने डेटाबेस में जाके बना लेनी है। ठीक है, नेम, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, सिटी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने सारा काम कर लेना है। तो मैं चलता हूँ अपने डेटाबेस की तरफ। मेरे डेटाबेस का नाम है CS619। ठीक है, इसके अंदर मैं जाऊँगा और मेरा जो टेबल नेम है वो एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी फील्ड्स के नाम आए हुए, नेम, पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, सिटी, सैलरी, जेंडर, इमेज, इस तरीके से मैंने ये सारा बनाया है। ठीक है, और इमेज में मेरे ख्याल से जो है वो आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, वाचर आप डाल सकते हैं, लेंथ के अंदर आप लोग 30 डाल सकते हैं, और ठीक है इस तरीके से आप लोग डाल सकते हैं। और इसके अलावा ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं इसकी कोडिंग में क्या है। कोडिंग क्या है इसकी, बहुत आसान है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इंसर्ट करने की क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पे। देखें, ये है आपका डेटाबेस नेम और ये है आपका टेबल नेम। ठीक है, ये आपका टेबल नेम है, ये आपका टेबल नेम है, ये आपका डेटाबेस नेम है, ये डेटाबेस नेम है। ठीक है, चीज़ का ख्याल रहे, डेटाबेस नेम है, ये टेबल नेम है, यहाँ पे आए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, टेबल नेम में आपने डाटा इंसर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जो आपका टेबल नेम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये चेंज होगी वैल्यू, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है कि मैंने आपको शॉर्ट किया है, वो क्रिएट हो जाएगा। तो वैल्यूज में आप डाल लें क्या चीज़ जो आपने ऊपर डाली थी। ठीक है, ये वैल्यू आपने, सारी वैल्यू जो है आप लोगों ने, ये सारी वैल्यू आप लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर कर देनी है। यानी इसकी वैल्यू आपने इसमें स्टोर कर दी, इसकी वैल्यू आपने इसमें स्टोर कर दी, इसकी वैल्यू आपने इसमें, इस तरीके से आपने सैलरी की वैल्यू सैलरी के वेरिएबल में आपने स्टोर कर, ताकि आप लोगों को टाइपिंग करने में आसानी रहे। अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस का फॉलो करना है। ठीक है, पहला आई डी है, तो पहला आई डी, फादर नेम यानी कि फर्स्ट नेम, फिर पासवर्ड, ई मेल, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उस वेरिएबल को आपने सीक्वेंस में फॉलो कर लेना है। यहाँ पे देखें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, आई डी, नेम, फर्स्ट नेम, पासवर्ड। ठीक है, और आखिर में याद रहे कि यहाँ ब्रैकेट है, इसके बाद इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है, एंड में सभी कॉलन आ रहा है, इस चीज़ का एरर वगैरह आता है। ठीक है, ये आपने कर लेना है, और मेक श्योर रहे कि जो डेटाबेस का सीक्वेंस है आपने वो फॉलो करना है। देखें, एम्प्लॉय आई डी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, एम्प्लॉय आई डी, नेम, पासवर्ड, ईमेल। देखें यहाँ पर, देखें एम्प्लॉय आई डी, नेम, पासवर्ड, ईमेल। ठीक है, तो आपने सीक्वेंस फॉलो करनी है, वरना ऐसा होगा कि ईमेल की जगह ऐसा ना हो कि फ़ोन नंबर जा रहा हो। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने सारी फील्ड उठा के, ये जो आपकी यहाँ की सारी फील्ड है, ये सारी फील्ड उठेंगी और यहाँ पे इस जगह पे आ जाएंगी, आपने फिल कर लेना है पूरा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ यार याद कि इमेज वाला जो हमने उठाया था, ये इमेज इमेज के वेरिएबल में, पूरा इमेज के वेरिएबल में आ गया था। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये जो है ये उठा के इस जगह पे लास्ट में इमेज डाल देनी है। ठीक है, यहाँ कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने दो चीज़ें इमेज के लिए काम की थी। ठीक है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये सिर्फ अपने फोल्डर में मूव करवाने के लिए कोड इस्तेमाल होता है, जबकि ये जो है डेटाबेस में भेजने के लिए। तो इसी वजह से सिर्फ यही जो है डेटाबेस के लिए जाएगा। ठीक है, तो इसी को उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे, इस चीज़ को नहीं लेके आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्यूरी, हम चलते हैं आगे। ठीक है, सिंपल सी, अब हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को, जैसे हमने डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए किया था, इस पूरी वैल्यू को उठा के हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, एक ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा है SQL। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा, अब क्यूरी को रन करवाने के लिए हम लोग MySQL क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, MySQL क्यूरी। ठीक है, MySQL क्यूरी में हमने क्या किया कि हमने इस दोनों को रख दिया, कनेक्शन यानी डेटाबेस और SQL। ठीक है, इन दोनों को हमने रन करवाना है,
और इन दोनों को हमने करने के बाद एक वेरिएबल में रख दिया। वेरिएबल में का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, रिजल्ट रखते हैं या आउटपुट रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। अब वही कंडीशन हमने ऊपर जो इस्तेमाल की थी वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इफ़ रिजल्ट यानी कि रिजल्ट मतलब यानी कि ये पूरी क्वेरी अगर चले तो हमें शो करे, वरना फिर हमें शो कर दे कि एरर आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को आसानी हो जाती है कि क्या बाकी ये डेटाबेस में इंसर्ट हो भी रहा है या नहीं। हमने क्या किया, इको डाटा इंसर्ट एल्स डाटा फेल। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक नज़र दिखा देता हूँ ऊपर। ठीक है, ये आपको सीएसएस इस्तेमाल हुई थी यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों का हम लोगों ने शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पोस्ट इस्तेमाल किया था एनक्रिप्ट टाइप, यहाँ पे सारी एचटीएमएल की कोडिंग की थी हमने, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे फाइल के लिए इस्तेमाल किया था, फिर हम लोगों ने इसको एक वेरिएबल में सेपरेट में स्टोर किया, सेपरेट के बाद सारी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर की। इसके बाद इमेज के लिए हमने देखा, इमेज के बाद हम लोग ने जो है वो डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बनाने के बाद हमने डेटाबेस की क्यूरी देखी। ठीक है, डेटाबेस किस तरीके से होता है और उसके बाद डेटाबेस में डाटा भेजने के लिए क्यूरी होती है वो ये है। ठीक है, हमने सारी वैल्यू रखी और हमने ये सारा काम कर लिया। यहाँ पर हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, करने के बाद आप लोग को देखें डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है और आप लोग की सारी वैल्यू आ गई है, इस तरीके से आप लोग डेटाबेस आ रहा होगा। लेट सपोज़ मैं ये वैल्यू यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू एंट्री हुई भी है। अब मैं यहाँ जाऊँगा, करने के बाद आप लोगों का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले भी आ रहा था लेकिन बैकेंड पे हम लोगों ने काम नहीं किया था। तो बैकेंड में जब आप लोग काम कर लेंगे तो आप देखें हम लोगों ने आईडी ऑटो इंक्रीमेंट की हुई थी, एक आ रहा है। अगर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, आईडी टाइप नहीं करता, तो देखें क्या होता है। अब लेट सपोज यहाँ पर जो है मैं कुछ भी नाम रख लेता हूँ, उमर पासवर्ड रख दिया मैंने उमर। ठीक है, इनपुट टाइप मैंने पासवर्ड दी हुई, इसी वजह से मेरा पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप लोग को टैक्स यानी पासवर्ड कस्टमर को शो हो तो आप लोग कर देखें इनपुट टाइप टैक्स। ठीक है, ईमेल में लेट सपोज मैं उमर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, फ़ोन नंबर 03123456789। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है डालना, कुछ भी, एज क्या है 25, सिटी क्या है कराची, इसकी सैलरी क्या है लेट सपोज 25,000 रुपये सैलरी है, जेंडर क्या है मेल। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, ये इमेज। ठीक है, ये इमेज हमने बॉर्डर पर क्लिक किया, मेरे पास ये इमेज पड़ गई, मैंने सेलेक्ट कर ली। ये इमेज जो देखें यहाँ लिखे हुए आ गई, इमेज का नाम, इसका फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब इसमें सबमिट बटन कर लें, मैंने सबमिट क्यूरी किया हुआ, ये सब बटन है। ठीक है, अब कोई भी बटन यहाँ इसमें रख सकते हैं। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो देखें मैं सेव भी करना चाह रहा, तो छोटे मोटे इसमें जो है वो एरर आ रहे होंगे। इसमें क्या आ रहा है, एम आई एस पर एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री फॉर प्राइमरी की, हमने प्राइमरी की हुई थी, ये डाटा बेस में जो ऑलरेडी जो है वो अपना आई डी सेव थी, तो इस वजह से हमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो डाटा बेस कनेक्टेड हो गया, इसका मतलब डाटा बेस है लेकिन डाटा गया नहीं। चेक कर लेते हम लोग, आता हूँ क्यों नहीं गया, तो यहाँ डाटा नहीं आया, क्या मतलब है, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की, डुप्लीकेशन आ रही है कि आप लोग कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लेट सपोज मेरी हमारी आखिरी आईडी थी यहाँ पे, देखें डिलीट हमने की थी 3, तो लेट सपोज अगर मैं 2 यहाँ डालता हूँ और सिंपल से मैं दोबारा उमर लिखता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड में उमर डालता हूँ, ईमेल में उमर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, और फ़ोन नंबर कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और एज 25, सिटी कराची, और सैलरी 25,000, और मेल उधर में जाके मैं ईमेल सेव करता हूँ। अब मैं अगर सबमिट क्यूरी करूँगा तो आप देखिएगा, देखें यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ आ रहा है डाटा बेस कनेक्टेड और डाटा इंसर्ट। ये हमने क्यों रखा था, इसलिए रखा था ताकि हम लोग को पता चला कि डाटा वैल्यू जा भी रही है नहीं। अगर नहीं जाता तो यहाँ लिखा हुआ आता है कि डाटा नॉट इंसर्टेड, जो हमने वहाँ टाइप किया था। ठीक है, तो इससे हम लोग को आसानी हो गई, हाँ यार कि डाटा बेस भी कनेक्टेड है और हमारी वैल्यू भी चली गई है। अब मैं जाकर देखूँगा तो मुझे पता है कि बाकी वैल्यू वहाँ चली गई होगी। देखें यहाँ पर कभी कुछ नहीं आ रहा, मैं रिफ्रेश करता हूँ एम्प्लॉय में जाके, देखें यहाँ पर, हाँ देखें यहाँ टाइप की थी 2, नाम क्या था, नेम क्या था हमारा, नेम उमर टाइप किया था, पासवर्ड में क्या डाला था हमने उमर। ठीक है, ईमेल क्या डाली थी हमने उमर @gmail.com, फ़ोन नंबर क्या डाला था हमने ये। ठीक है, इस तरीके से हम आ गए हैं। तो हमने डेट ऑफ बर्थ क्या डाली थी ये रैंडमली, एज क्या डाली थी हम लोगों ने 25, सिटी क्या डाला था हम लोगों ने कराची, सैलरी क्या डाला था हम लोगों ने 25,000, जेंडर मेल, और इमेज हमने ये डाली थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डेटाबेस में आ चुकी हैं। अब देखें ये चीज़ें तो डेटाबेस में चली गई हैं, और ये देखें यहाँ पर जो है इमेज आ रही है, इमेज मैंने आप लोग आता है कि आपके फोल्डर में भी आएगी। तो देखें यहाँ पे इमेज का नाम का फोल्डर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे भी इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्रिएट का फंक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में को हम लोग समराइज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने सीखा किस तरीके से आप लोग PHP का जो पहला फंक्शन है क्रूड, यानी कि क्रिएट रिएट अपडेट डिलीट में से क्रिएट किस तरीके से हम लोग करते हैं, डेटाबेस क्रिएट और फिर HTML का फॉर्म बना के डेटाबेस में जो डाटा भेजना, तो ये हो गया हमारा क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डाटा को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि मुझे आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, काइंडली वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।